हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हमें जो चैप्टर डिस्कस करना है वो चैप्टर है आपका चैप्टर 8, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड अर्थमेटिक मीन। हमें मेजर करना है सेंट्रल टेंडेंसी को, और इसका जो मेन है वो है अर्थमेटिक मीन। कि अर्थमेटिक मीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डाटा। हमारे जो डाटा होता है उस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं, और वो हमारी एक सिंगल वैल्यू में होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, द फॉलोइंग इज फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल्स मेजर आर वाइडली यूज इन स्टैटिकल एनालिसिस। भाई इसके जो प्रिंसिपल बताए गए हैं वो थ्री हैं, और वो वाइडली कॉन्सेप्ट है स्टैटिकल एनालिसिस में। फर्स्ट आता है अर्थमेटिक मीन, सेकेंड इज मीडियन, एंड थर्ड इज मोड। तो हमें इन्हें अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, तो चैप्टर जो 8 है आपका वो अर्थमेटिक मीन पर डिपेंड करता है, और चैप्टर 9 जो है आपका वो मीडियन एंड मोड पर है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। हमारा जो हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं उसका जो सेकंड नेम है, हम उसको एवरेज से भी डिनोट कर सकते हैं और एवरेज भी बोल सकते हैं। टू प्रेजेंट ह्यूज डाटा इन समराइज्ड फॉर्म। भाई इसका जो अगर हमारे पास डाटा ह्यूज है तो हमें उसको क्या करना है, समराइज्ड करना है। टू मेक कंपैरिजन इजियर, हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैम्पल, एक सैम्पल के रूप में ये हमें एक यूनिवर्स करता है कि हमें ईजिली पता चल जाता है। ठीक है, बेस है कंप्यूटिंग अदर मेजर्स, हम ईजिली कंप्यूट कर सकते हैं मेजर के बेसिस पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन का मीनिंग क्या है। अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्व। मीन्स जिसको हमें डिवाइड करना है सम ऑफ द टोटल। मीन्स अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 स्टूडेंट हैं और मुझे इन सब का ऑब्जर्व करना है टोटल क्या है, तो मैं क्या करूँगी, इन सब को ऐड कर दूँगी, और इन सब को ऐड करने के साथ मैं उतने से ही डिवाइड कर दूँगी, है ना। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा, क्योंकि मैंने उतनी ही डिजिट को उतने ही नंबरिंग से डिवाइड कर दिया, ऑब्जर्व कर लिया। क्लियर है, तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ ऑर्डिनरी नो एज मीन एंड एवरेज बाय द कॉमन मैन। ठीक है, ये आपका मीन भी है और एवरेज भी है। इट इज़ यूजली डिनोट बाय एक्स बार, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बार। तो ये हमारा एक्स के ऊपर बार जो एक डंडा खींच दिया जाता है उसको बार बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। इट इज़ कंप्यूटेशंस कैन बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सीरीज। हम इसको थ्री सीरीज में डिवाइड कर दें। चैप्टर 4 में भी आपको सीरीज बता चुकी हूँ मैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। कि अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, अगर हमें सिग्मा एक्स बार निकालना है, तो वो हम थ्री सीरीज के बेसिस पर निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्लियर है। चलिए इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज इज द सीरीज इन विच आइटम आर लिस्टेड सिंगल, ईच आइटम इज अ गिवन इन सेपरेट वैल्यू। कि भाई हमें एक सेपरेट वैल्यू दे दी जाएगी और हमें वो सीरीज के बेसिस पर हमें उसको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन क्लास 11th आर गिवन इंडिविजुअली, क्लास 11th के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं और वो हमें इंडिविजुअली सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज मीन्स हमारी जो भी फर्स्ट सीरीज है उसके बेसिस पर। ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। मीन इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्व एंड डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सेट। कि भाई जितने भी हमारे हैं और उनसे हमें डिवाइड कर देंगे, 10 स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स होंगे उनको प्लस करके 10 से डिवाइड करके हमारा आंसर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, देयर आर थ्री मेथड ऑफ कैलकुलेशन, अर्थमेटिक मीन, इंडिविजुअल सीरीज। अभी तीन सीरीज की बात हो रही थी, अब थ्री मेथड की बात हो रही है। कौन कौन से मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आपको अभी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड इसमें बताया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टेप ऑफ डायरेक्ट मेथड की, अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो किस तरह से निकालना है। लिस्ट लेट द आइटम ऑब्जर्व बाय एक्स वन एक्स टू। मीन्स हमें 10 स्टूडेंट दिए तो हमने यहाँ पर उन 10 के सभी के नाम लिख लिए, एक्स से स्टार्ट करा और 10 तक ले लिया। ठीक है, एड अप द वैल्यू
ऑफ ऑल आइटम एंड ऑब्टेन द टोटल नंबर, जो इतने भी हमारे टोटल नंबर होंगे उन्हें हमने किससे डिफाइन करा, सिग्मा एक्स से। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज, सीरीज को एन से डिनोट करा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बार अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन एन, किसका, अर्थमेटिक मीन का और डायरेक्ट मेथड का, क्लियर है। नेक्स्ट आता है शॉर्टकट मेथड। अंडर दिस मेथड एनी फिगर इज एज्यूम एज द मीन एंड डेविएशंस आर कैलकुलेट फ्रॉम दिस। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है, हमें एक एज्यूम करके चलना है, मीन्स हमें पूरी सीरीज दे दी, जैसे उसमें हमें एक्स दे दिया, टेन दे दिया, ट्वेंटी दे दिया, थर्टी दे दिया, फोर्टी दे दिया, तो हम यहाँ पर एक एज्यूम कर लेंगे कि उस सीरीज़ को, कि हमारी जो सीरीज़ होगी वो 30 होगी, और उसके लिए हमने क्या कर लिया, एज्यूम्ड मीन कर लिया। एज्यूम मीन करने के बाद ये हमारा कौन सा मेथड होगा, शॉर्टकट मेथड होगा, ठीक है। द नीड फॉर शॉर्टकट मेथड अराइज व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स हमारा जो लार्ज नंबर होगा उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया, इट डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय द डायरेक्ट मेथड, कंप्यूट करते हैं किसके, डायरेक्ट मेथड से। दीज मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड, भाई जब हम इसमें एज्यूम करके चल रहे हैं किसी भी एक नंबर को, तो वो मेथड हमारा कौन सा कहलाएगा, एज्यूम मीन मेथड कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा किस में था, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस सीरीज में आपकी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल शो द रिपीटेशंस फ्रीक्वेंसी आर गिवन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कि जितनी भी वैल्यू हमें वेरिएबल दी गई हैं, जितनी भी हमारे पास डिजिट होंगी या नंबरिंग होगी वो हमारे डिस्क्रीट सीरीज में आएंगी, और ये सीरीज हमारी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। इन अ डिस्क्रीट सीरीज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ, क्लियर है। इसके भी तीन मेथड हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, तीन मेथड है हमारे, तीनों मेथड में से हम डायरेक्ट मेथड इसका देखेंगे। स्टेप ऑफ डायरेक्ट मेथड, मल्टीप्लाई डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड रिप्रेजेंट एफ, भाई हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, एक्स और एफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगा वो एफ एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू एफ इज इक्वल टू एफ एक्स, टेबल दी गई होगी उस टेबल में मल्टीप्लाई करनी है। ऑब्टेन द सम टोटल ऑफ एफ एक्स एंड डिनोट इट बाय सिग्मा एफ, ठीक है। अब जब हमारा ये सब निकल के आएगा तो हम इसका जब टोटल करेंगे तो हम उसको डिनोट करेंगे किससे, सिग्मा एफ से। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज, सीरीज आपका क्या था है? एक सेकेंड, सीरीज सिग्मा एफ और नो, कि यहाँ पर हमारी कौन सी सीरीज होगी, वो सिग्मा एफ और एन सीरीज होगी। अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला, फार्मूला लग जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, किस में, डायरेक्ट मेथड में, डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज सभी को पता है कि 10 से 20, 20 से 30, ये सीरीज मैंने बता दी आपको, है ना, कि ये वाली सीरीज हमारी कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, जो आपने फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ी है। अब इसके भी हमारे थ्री मेथड हैं, कौन कौन से हैं, वो डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड देखते हैं। द डायरेक्ट मेथड अंडर कॉन्टिन्यूस सीरीज इज द सेम एज अंडर डिस्क्रीट सीरीज, सेम है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज और सेम है डिस्क्रीट सीरीज के, दैट वी फर्स्ट कन्वर्ट द कॉन्टिन्यूस सीरीज, अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज मिलती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉन्टिन्यूस सीरीज में, सीरीज बाय टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। अब भी आपका यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, अगर हमें मिड पॉइंट दे दिया 5, 15, 25, 35 और 40, तो ये आपका मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट से आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज बनानी है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको सिखा दी गई थी क्लास में भी, कॉन्टिन्यूस सीरीज बन जाएगी इससे। उसके बाद में हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, कैलकुलेट मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल डिनोट बाय एम, तो भाई जो हमारा मिड पॉइंट होता है उसको डिनोट करते हैं एम से, मल्टीप्लाई मिड पॉइंट की अगर हम करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी से, तो एफ एम हो जाएगा। ऑब्टेन द सम टोटल ऑफ एफ एम एंड डिनोट बाय सिग्मा एफ एम, ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, सिग्मा एफ एम से। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज सिग्मा एफ और एन, अप्लाइंग फार्मूला सिग्मा एक्स बार सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक मेथड आता है वो आता है हमारा
कंबाइंड मेथड, व्हेन टू एंड मोर डिस्ट्रीब्यूशंस आर गिवन विद देयर नंबर ऑफ आइटम एंड अर्थमेटिक मीन, कि यहाँ पर हमें टू एंड दो या दो से ज़्यादा अगर हम डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं और नंबर के साथ, नंबर्स ऑफ आइटम के साथ, तो वो हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो द कंबाइंड मीन कैन बी कैलकुलेट बाय अप्लाइंग फार्मूला। कंबाइंड मीन निकालने के लिए हमें उसी तरह से नंबरिंग भी चाहिए होगी, उतने ही हमें एक्स बार और उतने ही हमें नंबरिंग चाहिए होगी, तो वो जितने भी होंगे हमारे पास उनको हम ऐड करते चले जाएंगे। तो एन वन इंटू एक्स वन प्लस एन टू प्लस सॉरी एक्स बार टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, तो ये हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वेटेड मीन। वेटेड मीन रेफर टू द एवरेज व्हेन डिफरेंट आइटम, यहाँ पर हमें वेटेड मीन जो रेफर करता है वो एवरेज को करता है और डिफरेंट आइटम्स को करता है। ऑफ ए सर्विसेज आर गिवन डिफरेंट वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस, कि भाई जितने भी हमारे वेटेड मीन होते हैं वो सब सिग्मा बार से होते हैं, एक्स एक्स बार डब्लू, ठीक है, इससे करेंगे कि अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होगा। अर्थमेटिक मीन को हम किसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड को डब्लू से, तो डब्लू वन इंटू एक्स वन प्लस डब्लू टू इंटू एक्स टू, जितने भी हमारे होंगे मतलब इन्फिनेट तक जितने भी हमारी डिजिट होंगी उतने से, अपॉन डब्लू वन प्लस डब्लू टू से लेकर डब्लू एन तक। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, वेटेड मीन का फॉर्मूला है। चलिए देख लेते हैं इसके स्टेप्स। स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग वेटेड मीन, डिनोट द वेरिएबल एज एक्स एंड वेटेड एज एक्स। अभी मैंने बताया कि इसको हमने किससे करा, एक्स बार से वेरिएबल को और वेटेड को डब्लू से। मल्टीप्लाई वेरिएबल एक्स विद वेटेड डब्लू द ऑब्टेन टू टोटल टू गेट सिग्मा डब्ल्यू एफ। अब जब एक्स और इंटू डब्लू करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स। क्लियर है, अप्लाई द फॉर्मूला। अप्लाई द फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो जो हमारा वेटेड मीन होता है उसका होता है एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये हमारा वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, तो ये आज आपकी अर्थमेटिक मीन की सारी थ्योरी थी जिसमें आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है, और ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझना है, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना है, और अपने नोट्स को प्रॉपर सामने रखकर, अपने बुक को ओपन कर तब इस वीडियो को सुनना। ठीक है, थैंक यू।